हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। राष्ट्रपति के गांव से पीएम मोदी का परिवारवाद पर हमला। कानपुर में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के गांव परोख पहुंचे पीएम मोदी ने विपक्ष को निशाने पर लिया और परिवारवाद पर एक बार फिर हमला किया। पीएम मोदी ने ये भी बताया कि क्यों बार बार परिवारवाद का मैं विरोध करता हूं। पीएम मोदी ने कहा कि परिवारवाद पर कोई बात करता हूं तो लोग इसे राजनीतिक बयान बताते हैं। मोदी ने कहा कि जो लोग परिवारवाद के उदाहरण हैं वो मुझसे भड़के हुए हैं। देश भर के परिवारवादी लोग मेरे खिलाफ एकजुट हो गए हैं। मेरी किसी राजनीतिक दल से कोई व्यक्तिगत नाराजगी नहीं है। मैं तो चाहता हूं कि देश में एक मजबूत विपक्ष हो, लोकतंत्र को समर्पित राजनीतिक पार्टियां हो। पीएम मोदी ने आगे बयान दिया कि परिवारवाद में फंसी पार्टियां इस बीमारी से खुद को मुक्त करें, तभी देश का लोकतंत्र मजबूत होगा। परिवारवाद से मुक्ति ही युवाओं को राजनीति में आने का मौका देगी। हमारी जिम्मेदारी है कि परिवारवादियों को पनपने न दें। गांव के बेटे बेटी भी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बने, इसके लिए जरूरी है कि परिवारवादी पार्टियां खत्म हो। राष्ट्रपति के गांव की तारीफ करते हुए पीएम मोदी ने आगे कहा कि हमारे गांवों के पास सबसे ज्यादा सामर्थ्य है, सबसे ज्यादा श्रम शक्ति है और सबसे ज्यादा समर्पण भी है। इसलिए भारत के गांवों का सशक्तिकरण हमारे भारत सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। मोदी ने कहा कि महात्मा गांधी भारत की आज़ादी को भारत के गांव से जोड़कर देखते थे। भारत का गांव यानी आध्यात्म भी हो, आदर्श भी हो। भारत का गांव यानी जहां परंपराएं भी हो, प्रगतिशीलता भी हो। भारत का गांव यानी जहां संस्कार भी हो, सरकार भी हो, ममता भी हो और समता भी हो। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रपति ने जब यहाँ आने को कहा था तभी से इंतजार कर रहा था, यहाँ आकर मन को सुकून मिला। इस गांव ने राष्ट्रपति का बचपन भी देखा है और उनके गौरव को भी। उन्होंने यहाँ की कई यादें मुझसे साझा की हैं। जब पांचवी के बाद उनका दाखिला यहाँ पर 5 मील दूर हो गया था तो वो दौड़ते हुए जाते थे। यह दौड़ कोई रेस नहीं होती थी बल्कि तपती दोपहर में पेड़ जलने के कारण नंगे पांव अपने स्कूल वो दौड़ते हुए जाते थे। आज का दिन सुखद स्मृति की तरह है। पीएम मोदी ने कहा कि यहाँ देवभक्ति भी है, देशभक्ति भी है। राष्ट्रपति के पिताजी की भक्ति को मैं प्रणाम करता हूँ। वह तीर्थाटन के लिए समय समय पर निकल जाते थे। उस समय भी उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि जगह जगह जा सके। जहाँ भी जाते थे वहाँ से कुछ पत्थर ले आते थे और उन पत्थरों को यहाँ रख देते थे और उन पवित्र पत्थरों को गांव वाले पूजते थे। आज हेलीपैड पर खुद राष्ट्रपति जी मेरी अगवानी करने पहुँचे। उन्हें देखकर मैं चौंक गया। जिनके अगवानी में हम काम कर रहे हैं उनके आने पर मैंने पूछा भी कि आप यहाँ क्यों आए हैं। उन्होंने बताया कि आज मैं यहाँ राष्ट्रपति नहीं, इस गांव के एक नागरिक के रूप में आपका स्वागत करने आया हूँ। राष्ट्रपति का ये कहना अतिथि देवो भवो के संस्कार का उत्तम उदाहरण है। जागरूक टीवी के लिए कानपुर से खास रिपोर्ट।